चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। प्लॉट दी फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ, शीट वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। फर्स्ट पार्ट है, इसके दो पार्ट अभी हम और करेंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ऐसे करा, ठीक है, सिखा चुका हूँ आपको, काफ़ी सिंपल है, ठीक है ना। चलिए इतना बड़ा बना दिया, ज़रूरत नहीं थी, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो देखिए 0 यहाँ पे होता है, 1, 2, 3, 4, कितना लेना है आपकी मर्जी, कितना भी लो, बस इतना ध्यान रखना है। प्लस पॉजिटिव पॉइंट कितने हैं, देखो एक्स है ना, एक्स, ये एक्स होता है ना, ये थोड़ा छोटा कर दो यार, मज़ा नहीं आ रहा। ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए। ये वाई होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, ये हो गया एक्स। माइनस में कितने पॉइंट हैं, देखो माइनस 2 ज़्यादा बड़ा नहीं है, -1, -2, -3 तक ले लो, ठीक है। वाई कितना है, चलो 1, 2, 3 ले लो बस। ये भी कितना ले लो, -1, -2, -3 बस, ठीक है, हो गया। देखो बच्चों, पहले हमारा है ये वाला पॉइंट 2 और 3। जो पहला पॉइंट होता है पहले उसको बनाते हैं, ये हमेशा x का होता है, x का, ये y का, x y ऐसे होता है। पहले 2 है, x बनना चाहिए, x प्लस का 2, ये रहा। तो अब यहीं से जाना है हमें 3 पे, y, y किधर है, प्लस का y ऊपर है, तो ये रहा 3। तो एक पॉइंट बच्चों देखो ये हो गया, एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। डॉट 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 ऐसे करना, मगर करो मत, हमें चेक करना है, बताएंगे भी, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हमारा, B01। अच्छा, इस यहाँ पे A लिख देते हैं, पहले A हो गया, B01। तो 0 मतलब यहीं पर है, पहले 0 है तो x, तो 0 हमने यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं पर रुक गए। 1 ऊपर जाना है तो एक पॉइंट ये रहा, ये हो गया हमारा B पॉइंट। C है -2, -1, तो -2 ये रहा, पहले x पर नाचेंगे -2, और -1 नीचे है तो नीचे आ जाएंगे, हमारा ये रहा, ये हो गया हमारा ए बी, ये हो गया हमारा सी। डी कितना है, -3, -2, तो -3 ये रहा, -2 और नीचे आना है हमें, ये यहाँ पे आ गए हम, ये रहा -2, ठीक है, ये गया हमारा, ये है हमारा डी। अब बताना क्या हमारा लाइन पे है या नहीं है। अब हमें क्या करना है, इन डॉट्स को ज्वाइन कर दो। तो देखो ज्वाइन करना है आपको, स्केल से ज्वाइन करना, मेरे पास स्केल नहीं है। जब आप इसको ज्वाइन करोगे ना तो बिल्कुल सीधी एक लाइन बन रही है, तुमने ज्वाइन कर दिया। वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन, हम लिखेंगे यस गिवन पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए इसको अब करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं इसी का, ठीक है। चलिए ग्राफ बना लेते हैं, एकदम से बनाता हूँ ना तो अच्छी लाइन खींचती है, इसमें होती नहीं है। चलिए देखो एकदम से बनाई ना, अच्छी लाइन आ गई। चलिए बच्चों ये हो गया हमारा, ये 0, ठीक है। हमारा कितना है, हमारा सबसे बड़ा नंबर इसमें कितना है, 6, वो भी वाई का 6 है। एक्स में सबसे बड़ा नंबर कितना है, 3 है, सो 1, 2, 3, चलो 4 तक ले लिया। -1 का सबसे बड़ा नंबर कितना है, -1 ही है, -1, -2, -3। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 4 दिया तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे y में सबसे बड़ा पॉइंट कितना है, 6, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मैंने थोड़ा ऐसे बनाया घिचपिच, मगर आप समझ जाओगे मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए जी -1 में, हाँ जब आप ग्राफ में बनाओगे ना कभी भी चीज़, आपको याद रखना है ये जो इसमें गैप होता है, गैप सेम होना चाहिए सब में, यहाँ भी। मेरा गैप देखो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे मेरा गैप थोड़ा कम है। रीज़न बीइंग बिकॉज मैं इसमें ग्राफ में नहीं बना रहा हूँ, मैं तो रफली बना रहा हूँ, लेकिन आप ग्राफ में बनाओगे आपको ध्यान रखना है ये सारा गैप बराबर होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। मेरा तो देखने में लग रहा है कि बराबर नहीं है, लेकिन आपका बराबर होना ही चाहिए। चलो ये एक्स हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट हमारा 3, 6, तो 3 मतलब एक्स होता है, कहाँ ये रहा 3, अब 6 वो भी प्लस का ऊपर जाएंगे सबसे ऊपर, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये मेरा हो गया ए। अच्छा फिर क्या है, 0, 3, तो 0 ये रहा और 3 मेरा ये रहा, ये हो गया मेरा बी। फिर क्या मेरा -1 और 2, तो -1 मेरा ये रहा, पहले एक्स में नाचेंगे -1, अब नीचे आएंगे नहीं ऊपर जाएंगे, 2 मेरा ये हो गया, ये हो गया मेरा, ठीक है, ये क्या था मेरा सी। डी कितना है, -2 और 1, तो -2 ये रहा, 1 कहाँ है, प्लस का ऊपर जाएंगे तो ये हो गया ये, ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये हो गया मेरा डी। अगर आपने बिल्कुल ग्राफ पे बनाया बिल्कुल ठीक से तो ये लाइन दोबारा ज्वाइन हो जाएगी। देखो मेरी हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी आए, मगर आपकी एकदम सीधी लाइन आएगी, ये लाइन हो गई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी हम लिख देंगे यस पॉइंट या गिवन पॉइंट्स कुछ भी लिख दो, पॉइंट्स लाए
ऑन अ लाइन, है ना, हटाओ इसको, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, ठीक है, ये लिख दो, ये लिख दो, येस द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, ठीक है। चलिए इसको अब करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए बच्चों लास्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, ठीक है। दोबारा से बनाएंगे हम ग्राफ, पाँच छः मेरा, ज़्यादा बड़ा ग्राफ मेरा बनेगा नहीं, ठीक है, ज़ीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सॉरी एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ पे आएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वैसे तो माइनस का एक्स में कुछ है ही नहीं, एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई है, तो वाई मतलब हमारा पाँच सात तक जाएगा बच्चों, देखो सेवन, सबसे बड़ा वाई सेवन है, तो सेवन तक जाएगा, है ना, तो मुझे थोड़ा बनाना पड़ेगा घिच पिच, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये हो गया मेरा वाई, ठीक है। अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, मेरा यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो आपका गैप सब में सेम होना चाहिए, मैं तो रफली बना रहा हूँ, तो मेरे पे से कंपेयर मत करना, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम, सबसे पहले है फाइव सेवन, तो बच्चे देखो एक पहले पहले फाइव मतलब एक्स पे, एक्स पे नाचेंगे, ये रहा फाइव, फिर सेवन मतलब ऊपर जाएंगे, है ना, तो ये एक पॉइंट, देखो ये हो गया पॉइंट, ये रहा ए, सॉरी नॉट ए, इट्स अ पी, देखो माइंड में ए क्यों आया बताओ, इससे पहले मैंने दो पॉइंट किया ना तो ए आ रहा था, तो माइंड हमारा देखो इंसान का माइंड कैसे काम करता है ना, ट्रेन हो जाता है ऑटोमेटिकली, मेरा माइंड ट्रेन हो गया कि ए लिखना है, पी हो गया। अच्छा क्यू क्या है, थ्री फाइव, तो थ्री ये रहा और फाइव मेरा ये रहा, ठीक है, पी क्यू, अब आएगा आर, टू थ्री, टू और हमारा क्या है थ्री, हमारा ये रहा थ्री, पी क्यू आर, अब क्या है मेरा जीरो थ्री, तो मेरा जीरो ये रहा, ठीक है, और मेरा थ्री ये रहा, ये मेरा एस, तो ये मेरा बनेगा ही नहीं, लाइन पे नहीं है, कैसे, आप जब इसको ज्वाइन करोगे ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इसके बाद कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, एक सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, समझ रहे हो बच्चों, तो हमारा क्या है, हम लिखेंगे गिवन पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन अ लाइन, ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे, नो लाइन पे नहीं आ रहे, ठीक है ना। चलिए एक सिंपल लाइन बननी चाहिए थी, तो उसी को हम बोलते हैं कि लाइन पे आ रहे हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 1, 6 एंड 3, 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो इसको हम कैसे करेंगे, हमें सिंपल से पहले ग्राफ बनाना है, मतलब ग्राफ जो आपको मिलेगा उस पर ऐसे, ठीक है, ये कितना है नीचे, देखो मैं थोड़ा देखो बताता हूँ, देखो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ना प्लस के हैं, ठीक है, माइनस वाला कोई पॉइंट नहीं है इसमें, और दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। देखो ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर बार ग्राफ ऐसे बनाना पड़ेगा, मैं चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ ग्राफ, हल्का सा ऐसे दिखा के बस, चाहूँ तो ऐसे ही बना सकता हूँ, ये जीरो हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मुझे बस ये ध्यान देना है कि जो पॉइंट्स हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के कौन से हैं। देखो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की जरूरत है, पूरे ग्राफ की जरूरत नहीं है, मतलब पूरा ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ऐसा आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि हर बार आपको ऐसे बना के दिखाना पड़ेगा, आप सिंपल बना सकते हो, जैसे मैंने ये बना दिया, देखो कैसा लग रहा है मेरे को, मैंने यहाँ पे ज़्यादा खींचा नहीं ना, मैंने यहाँ पे ज़्यादा खींचा, क्यों, ज़रूरत ही नहीं है उसकी, वाई एक्सिस पे कुछ है ही नहीं, सॉरी ये यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, अब देखो कैसे बनाऊंगा, ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, ये ज़ीरो है, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे कितना है, मुझे जाना है सिक्स तक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, है ना, मर्जी है, वहाँ पे मैं लेके भी नहीं जा रहा, मैं कुछ मार्किंग भी नहीं कर रहा, देखो इसको और छोटा करता हूँ इसको, ये लो मैंने देखो इसका ऐसा बना दिया, ठीक है ना, वहाँ पे हमने कुछ नहीं दिखाया, हम ऐसा भी बना सकते हैं क्योंकि है ही नहीं कुछ, ठीक है। चलिए पहला है वन और सिक्स, तो वन ये रहा बच्चों और सिक्स कहाँ ये रहा, तो वन और सिक्स पॉइंट देखो ये आ गया, यहाँ पे हम लिख देंगे वन सिक्स, दूसरा क्या हमारा थ्री टू, तो थ्री ये रहा और टू ये रहा, तो ये आ गया थ्री टू, यहाँ पे हम लिख देंगे थ्री टू, ठीक है। तो इसने क्या बोला था कि ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 1, 6 एंड 3, 2, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को पास करके जाएगी, वो हमें ड्रॉ करनी थी लाइन, तो उसके लिए पहले हमें ये पॉइंट्स जो है ग्राफ में बनाने पड़ेंगे, दो पॉइंट दिए हुए थे, दोनों बनाती है, अब क्या करेंगे इसको ज्वाइन करो, देखो इसको ज्वाइन करो, आपने इसको ऐसे ज्वाइन करा मान लो, अरे मेरी लाइन भी तो देखो कैसी आ रही है, क्या करूँ बच्चों, वन सेकेंड, ठीक से रब करता हूँ इसको, देखो बच्चों
बनाने की कोशिश करता हूँ लाइन, मुझे अपना एंगल चेंज करना पड़ेगा। देखो ये लाइन आ गई ऐसे। अब हमें क्या बोला था इसने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस। ये लाइन एक्स एक्सिस, ये दी एक्स एक्सिस, इस पर कहाँ मीट करती है, तो उसको लंबा करूँगा, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, ये आ गई। एंड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस अब इसको पीछे से भी लंबा करूँगा। अरे अब ये लंबा करूँगा तो ये कहाँ जाएगी यार, ये तो ऊपर ऐसे ऊपर जाएगी। तो मान लो यहाँ पर कितना हो जाएगा अंदाजे से, ये पॉइंट, ठीक है, तो 6 है, ये 7 मान लो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया अंदाजे से 8, 8 पॉइंट हो गया बच्चों, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ में आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कौन सा कितना पॉइंट आ रहा है। तो ये हमने बना दिया, तो हम लिखेंगे फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स, हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच दिस एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, हम कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स पहले लिख देते हैं, कितने जाएंगे देखो ये रहा, तो यहाँ पे एक्स 4 है, तो y यहाँ पे 0 रहा होगा, क्योंकि जब भी x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसमें y हमेशा 0 होता है, ठीक है, ठीक है। अब ये y एक्सिस वाले लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे y एक्सिस वाला लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख देना कोऑर्डिनेट x y y एक्सिस वाला। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना, ये 7, ये 6 था 7, तो 8 आया मेरे हिसाब से, 8 आया, मैं 8 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो x यहाँ पे 0 रहा होगा और वो कितना है, 8 है, ठीक है, ऐसे। तो ये मेरा आंसर हो गया इसका।